In this detailed lecture, we are going to cover all the related topics of moment of inertia. For example, moment of inertia क्या होता है, parallel acceleration क्या होती है, किसी body का moment of inertia कैसे calculate करते हैं, and then after polar moment of inertia क्या होता है, perpendicular axis जो हम क्या होती है और वो कैसे calculate करते हैं, and then radius of gyration भी निकालेंगे हम लोग. We can also sometimes people call it radius of gyration. We'll see later. तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो सकता है. यहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग में ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स के बारे में डील कर रहे हैं और हम लोग एरिया के बारे में बात करेंगे खासतौर से. एम सो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया इज नॉन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. डेरिवेशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं. एक सिंपल एक्सप्रेशन अगर ड्राइव करूं मैं यहाँ पे, अगर ये आपके पास में कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है और इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी एक्स एक्स एक्सिस जो कि इसके बेस से पास हो रही है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है. सो वी कैन सिंपली टेक अ स्मॉल और थिन स्ट्रिप ऑफ थिकनेस डी वाई एट अ डिस्टेंस वाई, एंड आई कैन राइट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आई एक्स एक्स, राइट. आई एक्स एक्स आई एम गोइंग टू डिटरमाइन, एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आई कैन आई एक्स एक्स विल बी इफ द डेप्थ ऑफ दिस बॉडी इज डी एंड द ब्रेथ ऑफ दिस बॉडी इज बी, राइट. So I can write the area of this strip I can take. So area of this strip B into dy, and the second moment of area of this strip about this axis will give you the moment of inertia of this strip about this axis. So P into dy is the area of this strip and into y into y. दो बार हम लोग अगर product करते हैं distance का तो हमें second moment मिलता है. जैसा कि आपने पहले पढ़ा था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो फर्स्ट मूवमेंट रहेगा, लेकिन अगर आप दो बार डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द सेकेंड मूवमेंट ऑफ फोर्स और मूवमेंट ऑफ एरिया. तो यहाँ पे हम लोग एरिया लेते हैं, सो ए आर स्क्वायर ए डी स्क्वायर या ए वाई स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस इज द स्टैंडर्ड रिलेशन. नाउ आई कैन इंटीग्रेट फ्रॉम जीरो टू डी फॉर द एंटायर बॉडी. सो जीरो टू डी तक इसको इंटीग्रेट कर दिया. सो ये आपके पास में बी y स्क्वायर डी वाई एंड जीरो टू डी ए आपके पास में टर्म्स आ गई. सो नाउ यू कैन इंटीग्रेट दिस बी वाई का इंटीग्रेशन करेंगे y स्क्वायर का. सो ये y क्यूब ओवर थ्री एंड लिमिट इसका जीरो टू डी रहेगा, एंड ये हो गया बी डी क्यू बाई थ्री. सो आई एक्स एक्स हमारा निकल के आ गया बी डी क्यू बाई थ्री. सो सिमिलरली वी कैन ड्राइव all the relations of the moment of inertia. I am not going to the derivation part of the other types of shape. So even you can rectangular body के लिए अगर जो है moment of inertia आपको drive करना है जो है centroidal axis पर moment of inertia निकालना, तो आप बस limit change करोगे 0 minus d by 2 to plus d by 2, right, and rest of the things will same. So you will get the I C G centroidal axis of this. So similarly you can calculate the moment of inertia for all the shapes like rectangle or triangle के लिए आप निकाल सकते हो, circle के लिए निकाल सकते हो. Circle के लिए moment of inertia यहाँ पे centroidal axis पे कितना होगा, I X X is equal to pi d 4 by 64 where d is the diameter circle के लिए. और ट्रायंगल के लिए अगर बात करें, सो ट्रायंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस पे क्या होगा, बेस पे ट्रायंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई एक्स एक्स एक्सिस अगर ये है तो ये हो जाएगा बी इज द, अगर बी इज द बेस ब्रेथ एंड एच इज द हाइट, सो बी एच क्यू बाई 12 बेस पे रहेगा. लेकिन इसके सेंट्रोइड पे क्या होगा, इसका सेंट्रोइड कहाँ पे होता है ट्रायंगल का, एच बाई 3 पे, राइट. तो सेंट्रोइड पे कितना होगा आई सी जी अगर बात करें, सो वी एच क्यू बाई 36. सो ये इसके सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, राइट.
सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कुछ बेसिक फॉर्मूले आई एक्स एक्स बी डी क्यू बाई थ्री है। इनके लिए वर्टिकल हम लोग जनरली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वर्टिकल हम लोग कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है ट्रायंगल के केस में, लेकिन अगर रेक्टेंगल में वर्टिकल देखेंगे तो आई वाई वाई हो जाएगा इस वाली एक्सिस पे जो कि इसके बेस से पास हो रही है, साइड से पास हो रही है, सो डी बी क्यू बाई थ्री। लेकिन अगर रेक्टेंगल का सेंट्रोडल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं हम लोग सी जी पे, तो ये होगा आई सी जी बी डी क्यू बाई ट्वेल्व, राइट। तो ये पांच छह फॉर्मूले हैं जो कि आप मेमोराइज कर सकते हो राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। अब हम लोग आते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या रहता है हमारा? सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम सिंपली कैन बी सीन, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करें, सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बेसिकली इज अ थ्योरम इज यूज्ड टू ट्रांसफर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम सेंट्रोडल एक्सिस टू एनी अदर एक्सिस। किसी भी दूसरी एक्सिस पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है विद रेस्पेक्ट टू द सेंट्रोडल वन, यू कैन यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है हमारी आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई सी जी प्लस ए वाई स्क्वायर या ए डी स्क्वायर वॉट एवर। सो बेसिकली आई सी जी क्या है? सेंट्रोड पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का। अगर ये आपकी बॉडी है देन इसके सेंट्रोड पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है आपको, सेंट्रोडल हॉरिजॉन्टल एक्सिस है राइट, और इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डिटरमाइन करना है जो कि वाई डिस्टेंस पे है राइट, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे एनी वेयर, सो वाई डिस्टेंस पे है। सो रिलेशनशिप क्या बनेगा टू यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्स एक्स एक्सिस। सो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई सी जी, आई सी जी आपको पता रहेगा, आपको आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है, एंड देन एरिया, एरिया ऑफ दिस बॉडी एंटायर बॉडी पूरी बॉडी का एरिया हो जाएगा बी इंटू डी एंड देन वाई स्क्वायर। सो दिस विल बी द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यू कैन वेरीफाई बाई अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर दिस एंड दिस रिलेशनशिप। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कैलकुलेट किया इस, यहाँ पे जो है इसके सेंट्रोडल एक्सिस पे बी डी क्यू बाई ट्वेल्व राइट, ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन है जो कि हम लोग इसे ड्राइव कर सकते थे या किया। उसके बाद में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के अगर देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, सो द वैल्यू विल बी सेम बी डी क्यू बाई थ्री। लेट मी चेक, सो बी डी क्यू बाई ट्वेल्व प्लस एरिया, एरिया बी इंटू डी एंड वाई, वाई कितना होगा इसके सेंट यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस राइट, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, सो दैट विल बी द डी बाई टू, सो डी बाई टू एंड स्क्वायर ऑफ डी बाई टू। सो बी डी क्यू बाई ट्वेल्व प्लस बी डी क्यू बाई फोर, बी डी क्यू बाई फोर, सो यू कैन टेक एल सी एम फॉर दिस एंड दिस इज अ बी डी क्यू प्लस थ्री बी डी क्यू इज इक्वल टू फोर बी डी क्यू डिवाइड बाई ट्वेल्व, सो फोर। नाउ दिस टर्म इज बी डी क्यू बाई थ्री, सो द सेम टर्म इज कमिंग, सो द इट हैज बीन वेरीफाइड द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई होप पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक दो चीजें और मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूं, जैसे कि अगर सर्कल के लिए कुछ और रिलेशन है, ट्रायंगल के दो फॉर्मूले आपको याद कर सकते हो आप लोग, रेक्टेंगल के चार फॉर्मूले बन जाएंगे, दो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए, दो वर्टिकल एक्सिस के लिए। हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये वाली और ये वाली, या कोई सी भी दूसरी एक्सिस देगी, एक एक्सिस तो सेंट्रोइड से पास हो ही रही है। और वर्टिकल के लिए दो फॉर्मूले हो जाएंगे, एक ये वाली वर्टिकल एक्सिस, दूसरी इसकी सेंट्रोडल वर्टिकल एक्सिस राइट। तो सेंट्रोडल के लिए कितना हो जाएगा डी बी क्यू बाई ट्वेल्व रहेगा, डी बी क्यू बाई ट्वेल्व हो जाएगा, और यहाँ पर डी बी क्यू बाई थ्री हो जाएगा राइट। सो ये सिंपल फॉर्मूले। अब अगर सर्कल की बात करते हैं, तो सर्कल पे आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हो राइट। सर्कल के केस में मैं सर्कल में सर्कल के केस में डिस्कस करूंगा मैं। अगर ये सर्कल एक सिंपल सर्कल है, सो सर्कल के सेंट्रोडल, दिस इज द सेंट्रोडल डायमीटर एक्सिस ओके, डायमीटर सेंट्रोइड को जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करी है, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट डायमीटर एक्सिस एंड
पासिंग फ्रॉम सेंट्रोइड, राइट। सेंट्रोइड से इस परपेंडिकुलर एक्सिस भी पास हो सकती है जो कि प्लेन के या पेपर के परपेंडिकुलर है, बट दैट विल नॉट बी द डायमीटर एक्सिस, दैट विल द पोलर एक्सिस, और उसके लिए हम लोग पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्सिया निकालते हैं, राइट। सो अभी हम लोग ये एक्स एक्स है कुछ इस ये एक्सिस में मूवमेंट ऑफ इनर्सिया देख रहे हैं, दैट विल बी द पाई डी 4/64, राइट। और अगर ये इस तरीके से हाफ सर्किल आपके पास में आ जाता है तो इसका इस एक्सिस पे मूवमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होगा, आई एक्स एक्स ही कितना होगा, पाई डी 4/64 एंड डिवाइडेड बाई 2, 1/2 हो जाएगा, जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया, जो है पूरे सर्किल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया, हाफ सर्किल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो है पूरे सर्किल का आधा हो जाएगा, राइट। सो दैट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्सिया। और अगर क्वार्टर सर्किल की बात करें, सो क्वार्टर सर्किल के केस में मोमेंट ऑफ इनर्सिया 1/4 हो जाएगा फुल का, राइट। सो 1/4 इंटू पाई डी 4/64, पाई डी 4/64, ये रिलेशन रहेगा आपका क्वार्टर सर्किल के लिए, इस सर्किल के, क्योंकि इस एक्सिस पे। लेकिन अगर आपको सेंट्रोइडल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना है, देन यूजिंग द पैरेलल एक्सिस टर्म यू कैन ड्राइव द एक्सप्रेशन। अब आपको क्या है, सेंट्रोइड पे निकालना है, मतलब इस वाली एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्सिया आपको डिटरमाइन करना है, राइट। सेंट्रोइडल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्सिया डिटरमाइन करना है और इस पे मोमेंट ऑफ इनर्सिया पता है, तो रिवर्स वे में हम लोग पैरेलल एक्सिस टर्म यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। तो जैसे कि अगर यहाँ पे देखें, सिंपली यू वॉन्ट टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्सिया एट द सेंट्रोइडल एक्सिस, तो सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, ये सेंट्रोइड होगा 4r/3π, राइट। क्योंकि सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, सेमी सर्किल के केस में 4r/3π, और क्वार्टर सर्किल के केस में भी सेंट्रोइड 4r/3π से पास होता है, ये सेंट्रोइड रहेगा, और इसकी डिस्टेंस इस ओरिजिन से, इसके ओरिजिन से 4r/3π रहेगी, राइट। दोनों एक्स और वाई में 4r/3π रहेगी। तो अगर यहां से इसका सेंट्रोइड 4r/3π पास हो रहा है, सो वी कैन यूज पैरेलल एक्सिस टर्म इन रिवर्स वे लाइक दिस। आई सी जी मुझे डिटरमाइन करना है विल बी इक्वल टू आई एक्स एक्स माइनस ए वाई स्क्वायर, राइट। वेयर वाई इज इक्वल टू दिस वैल्यू रहेगी और एरिया इस सेमी सर्किल का एरिया हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4/1/2 या पाई आर स्क्वायर बाई 2, और आई एक्स एक्स जो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्सिया यहाँ पे आ रहा है, दिस विल बी द वैल्यू, राइट। सो यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर दिस, नो नीड टू मेमोराइज दिस रिलेशनशिप, राइट, यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट। नाउ आई कम टू द परपेंडिकुलर एक्सिस टर्म, व्हेनेवर देयर इज अ सर्किल, मेनली हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस टर्म यूज करते हैं सर्किल के केस में, या समटाइम्स वी ऑल्सो कॉल दिस एज ए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया, POLAR, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया। सो ये जो एक्सिस है पोल्स को इंडिकेट करती है, दिस इज अ सर्किल एंड दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द पोल, पोल आई कैन यू कैन सी इफ दिस इज अ शाफ्ट, तो शाफ्ट की जो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, दिस विल बी द पोलर रिप्रेजेंटिंग द पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स को एक तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट किया मान सकते हैं। अगर इस सर्किल को देखें, सो सर्किल कैन बी सीन एज अ मोमेंट फॉर मोमेंट ऑफ इनर्सिया पासिंग फ्रॉम द डायमीटर एक्सिस, राइट। तो इसके डायमीटर से पास हो रही है, लाइक एक्स एक्स एक्सिस हुआ, वाई वाई एक्सिस हुआ, सो लाइक एन नंबर ऑफ एक्सिस मे बी देयर, बट द परपेंडिकुलर ऑफ दिस प्लेन इफ एक्सिस इज पासिंग कैन बी कंसिडर एज अ पोलर एक्सिस और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया। सो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ एनी बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड सिंपली बाई यूजिंग, जनरली पोल एक्सिस को हम लोग आई जेड जेड बोलेंगे, आई जेड जेड इज इक्वल टू होता है हमारा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में मोमेंट ऑफ इनर्सिया को अगर ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो हमें आई जेड जेड मिल रहा है। सिंपली इस रिलेशन को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इफ दिस इज एक्स और दिस इज वाई, देन इफ दिस इज अ बॉडी एंड लेट मी टेक अ वेरी स्मॉल एलिमेंट डी ए, एंड इफ आई टेक द आई कैन राइट हियर, इफ दिस डिस्टेंस इज वाई
एंड इफ दिस डिस्टेंस इज एक्स, एक्स मतलब ये डिस्टेंस जो है इसके सेंट्रोइड से यहाँ इस एक्सिस तक का डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस इसके सेंट्रोइड से ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस तक का डिस्टेंस है. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आई एक्स एक्स आई कैन राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, आई कैन राइट डी ए वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर डी ए, राइट वाई स्क्वायर डी ए. सिंपली आई कैन राइट दिस इज द स्टैंडर्ड, दिस कैन बी द स्टैंडर्ड रिलेशन. एंड देन आई वाई वाई आई कैन राइट डी ए इंटू एक्स स्क्वायर, राइट आई कैन राइट दीज रिलेशंस, और सिंपली वाई स्क्वायर डी ए एंड एक्स स्क्वायर डी ए आई कैन राइट. नाउ वेन एवर आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विच इज पासिंग फ्रॉम हियर एंड परपेंडिकुलर टू ऑल टू दीज टू एक्सिस एंड समथिंग लाइक दिस द परपेंडिकुलर टू द प्लेन of this paper. So the moment of inertia, like let me make this draw this izz axis, right? If this is xx, this is y. So the perpendicular distance from this to this, let me take this as a r. So the r will be the distance, so I can write here izz is equal to r square into da, right? So now I can rewrite this. R square can be written as I z z R square. We can write x square plus y square is equal to R square. So x square plus y square will be equal to R square and into dA. So this is nothing but the x square into dA and y square into dA. So x square dA and y square dA, I x x and I y y. So simply you have derived this relation I x x is equal to I z z is equal to I x x plus I y y, right? So this was our polar moment of inertia. तो अगर आप ये एक circle देख रहे हो, so this is the x x axis and this is the y y axis, right? And this axis will be the z axis, right? So तीनों में हम लोग moment of inertia निकाल सकते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट की बात करें, सो यूनिट सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेम रहेगा, जो भी डायमेंशन है डिस्टेंस का एंड उसका पावर 4 रहेगा, लाइक सेंटीमीटर 4 और मीटर 4 और मिलीमीटर 4, राइट. तो दिस विल बी द यूनिट एंड दैट्स इट. तो ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस टू आई कैन से. एंड अगला है हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में बात करें. सो वन मोर थिंग टू बी डिस्कस हियर, इफ यू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सर्किल आई जेड जेड, सो आई जेड जेड आई कैन कैलकुलेट आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई. सो आई एक्स एक्स पाई डी 4 डिवाइडेड बाई 64 प्लस आई वाई वाई विल ऑल्सो बी इक्वल टू पाई डी 4 बाई 64. So what will be the value? Pi d 432, right? So this will be the value of izz for this circle, right? And now I am going to cover here radius of gyration. Radius of gyration क्या है? Basically एक imaginary term है, mathematical term है. इसमें हम लोग distance निकालते हैं, एक particular distance जो कि body के हर part, एक body अगर composite body है, एक ये हुआ यहाँ पे हुआ और यहाँ पे अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स करना है, राइट, या सेम रखना है, सो आई कैन टेक अ वैल्यू सो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दैट बॉडी विल रिमेन सेम फॉर दैट एक्सिस ऑन दैट पर्टिकुलर एक्सिस, राइट. सो आई कैन सिंपली राइट हियर आई इज इक्वल टू ए के स्क्वायर. के इज द डिस्टेंस, के इज द डिस्टेंस जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, जिस डिस्टेंस पे जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का कांस्टेंट हो रहा है. सो के इज इक्वल टू रूट ऑफ आई बाई ए. आई कैन रिराइट हियर इफ द डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन डिफाइन इट, डिफाइन दिस द रेडियस ऑफ जायरेशन कैन बी डिफाइंड एज अ डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेटिंग एक्सिस और सेंट्रोइड. वी कैन राइट हियर टर्म द सेंट्रोइड बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर द ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स. सो फ्रॉम वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी is presumed to be concentrated or due to which the moment of inertia always remains same, right? तो ये वो axis है जहाँ पे आपकी body का जो moment of inertia उस axis पे constant हो जाएगा, and वो axis कितनी distance पे होगी, this is what we call k, right?
सो के इज फॉर रेडियस ऑफ वेरिएशन. रेडियस ऑफ वेरिएशन जनरली हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लीस्ट होता है उसको कंसीडर करते हैं. सो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई इफ गिवन और इफ यू हैव कैलकुलेटेड देन यू कैन कैलकुलेट इफ आई एक्स एक्स इज लेस देन आई वाई वाई. सो यू कैन यूज आई एक्स एक्स एज आई फॉर दिस केस. नाउ आगे के लेक्चर्स में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. लाइक बेसिक एग्जाम्पल अगर बात करें तो हम लोग जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे लाइक अगर इफ दिस द एल सेक्शन तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे क्या होगा या इसकी सेंट्रोडल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, राइट. और लाइक सर्किल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर कंपोजिट स्ट्रक्चर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस इज अ बॉडी इज द शेप गिवन टू यू एंड इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी ऑफ द एक्सिस लाइक दिस एक्सिस और सेंट्रोडल एक्सिस. तो अगर सेंट्रोइडल एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है मतलब आपको सबसे पहले सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं, देन ओनली यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, राइट. सो कई सारी टेक्निक्स हैं. सो अगर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल बी एबल टू इजीली परफॉर्म, राइट. सो इसमें देखो ट्रायंगल भी आ चुका है. सो कोई भी आपको ज्योमेट्री दी हुई है सबसे पहले आप उसको डिफाइंड ज्योमेट्री में डिवाइड करो. देन आफ्टर जैसे कि अगर ये है तो इसमें ये एक रेक्टेंगल या स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पे एक ट्रायंगल हो सकता है एंड समथिंग लाइक दैट, राइट. ये एक पार्ट हो सकता है रेक्टेंगल स्क्वायर एंड दिस विल बी द हाफ सर्किल. सो उसके लिए जो डिडक्शन है वो डिडक्ट करोगे.